नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार कॉम्प्लेक्स का आउटलुक देखेंगे। देखिए, गवार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो उम्मीद तो काफी है मार्केट में कि मार्केट चलेगा चलेगा, बट आज एग्जैक्टली 1 साल हो चुका है। पिछले साल हमने देखा था गवार ने 6600 का एक हाई मारा था गम सीड ने, एंड उसके बाद पूरे साल भर में हम देख रहे हैं 5000 के नीचे प्राइजेस नहीं जा पा रहा है, ना ही 6600 के ऊपर। 66 भी इनफैक्ट अगर मैं और रिड्यूस करूं तो 6100 बोल सकते हैं हम लोग, तो 6100 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है और ना ही 5100 के नीचे जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी ऐसे मिक्स फंडामेंटल मार्केट में बन चुके हैं, जिसके चलते मार्केट ने पूरा 1 साल 51 से 61 के बीच में निकाल चुका है। 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि एग्री कमोडिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन पीरियड भी है, साथ में हमने देखा एल नीनो का भी जो इम्पैक्ट 2023 में था 2024 में बताया जा रहा है। अदर एग्री कमोडिटी के प्राइजेस में जबरदस्त तेजी बनी है और काफी फैक्टर्स है जो इस बार हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम जनवरी से लेके अभी तक की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं हमने प्राइजेस में एक साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट ही देखा है। वहीं अगर गम की भी बात करें तो गम में भी हमने 21% का फॉल आते हुए देखा है। ज्यादा बड़ा फॉल गम में इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आप ये मान के चलिए कि गम एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और रिसेंटली हमने देखा कि इंडस्ट्री में जो स्लो डाउन रिसेशन फियर ये जो बना हुआ है, इसके चलते गम का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम ही रहा है। नो डाउट ऐसा भी मानने में है कि जो कैरियर स्टॉक था वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होता गया है क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड में कमी थी। आप प्राइस वाइज अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमने दोनों को ही सेम वे मूवमेंट करते हुए देखा, बट यहाँ पे आप देखिए कि लगभग अक्टूबर ऑनवर्ड से ही अगर हम बात करें तो गवार गम में सीड के मुकाबले नेगेटिव ही चलता रहा कंटिन्यू। इसका मुख्य कारण पहला रहा है कि इंडस्ट्रियल ऑफटेक था वो कम था, और जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रेडिट लाइन है, जिस दिन से हम देख रहे हैं कि 2 टायर 3 टायर सिटी में जो कोविड से पहले क्रेडिट लाइन हुआ करती थी कि लोग एक विश्वास रखते थे कि चलो मैंने कुछ माल बेचा है तो महीना 2 महीना 3 महीने में तो पेमेंट आ जाएगा, बट अब जिस दिन से क्रेडिट लाइन डिस्टर्ब हुई है ये पूरे ही एग्री व्यापार को खत्म कर रखी है कि हम देख रहे हैं कि कोई भी क्रेडिट लाइन नहीं, कोई भी आदमी अगर 50-100 बोरी अगर क्रेडिट पे ले भी रहा है तो बहुत मामूली है, बिकॉज पेमेंट का जो कंसर्न्स है वो कहीं ना कहीं चल रहा है और हमें लगता है इलेक्शन पीरियड तक ये मार्केट को हॉन्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो करंटली अगर हम बात करें तो गवार सीड 5570 के करीब ट्रेड कर रहा है, गवार गम 10900 मतलब लगभग 11000 के बिल्कुल नीचे नीचे भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये जरूर है पिछले एक हफ्ते में मार्केट में रिकवरी बनी है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह का फॉलिंग चैनल बना था और अब जिस ढंग से ये फॉलिंग चैनल के बाद मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है ये एक संकेत है कि मार्केट में कैसे आगे मूव कर रहा है। सबसे पहले अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो ये माना जा रहा है कि 2024 के अंदर लोअर प्रोडक्शन को लेकर और डिमांड जैसे से इंप्रूव, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करने के फिराक में है जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। वही पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि गवार का जो एकरेज है गुजरात राजस्थान में वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है। प्राइमरी हम देख रहे हैं कि जो मानसून को लेकर चिंताएं बनी हुई है वो क्रॉप को डैमेज भी कर रही है, कहीं पे काफी एक्सेस रेनफॉल हुई थी और अब कहीं पे कम हो रही है, तो ये डिस्पैरिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि फार्मर का भी रुझान दूसरी कोई कमोडिटी पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं रादर देन गवार। इनफैक्ट अगर हम 23-24 की अगर बात करें तो गवार का इस बार प्रोडक्शन और कम होने की उम्मीद है जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। कैरी ओवर स्टॉक कंटिन्यू हम लूज कर रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि डिमांड मार्केट में नो डाउट कम थी बट प्रोडक्शन लॉसेस की वजह से भी कैरी ओवर स्टॉक एज ऑफ नाउ कंटिन्यू कम हो रहा है, बट एज ऑफ नाउ जो डिमांड है उसको देखते हुए सफिशिएंट है जो प्राइजेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि गवार गम एक बाय प्रोडक्ट है गवार सीड का और ज्यादा करके फ्रैंकी इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में डिमांड हो, यूएस, यूरोप, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड की कमी की वजह से कोई मेजर डिमांड साइड मार्केट में मूव नहीं बना है। हाँ, अब ये बोल सकते हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो यूएस में 2024 में रहेगा एंड कहीं ना कहीं कच्चे तेल में जो उठा पटक हुई है और भाव में एलिवेशन है, इसकी वजह से फ्रैंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं यूएस का इंटरेस्ट रहना चाहिए एंड जिसके चलते गवार की डिमांड बढ़ सकती है।
2023 में जो गिरने का मुख्य कारण था वो था हायर सप्लाई एंड लोअर एक्सपोर्ट डिमांड, जिसकी वजह से हमने भाव को गिरते हुए देखा। हमने ये भी देखा कि कोविड-19 की वजह से भी सेंटिमेंट काफी ज्यादा खराब हुआ हुआ था। गवार गम में भी अगर हम देखें तो 2023 के अंदर प्राइजेस के अंदर हमने गिरावट देखी, उसका मुख्य कारण एक ऑयल इंडस्ट्री भी था, क्योंकि यूएस के अंदर जो ऑयल रिग्स काउंट है वहां पे हमने कोई भी तेजी नहीं देखी। 2013 में जो रैली आई थी उसमें मुख्य कारण बना था ऑयल रिग्स ही, क्योंकि जिस ढंग से ऑयल रिग्स बढ़ रहे थे ये कहीं ना कहीं गवार कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट दे रहा था। तो आप मान रहे हैं कि जिस ढंग से ऑयल कंसर्न जो बना हुआ है 2024 में गहराता हुआ दिखाई देगा और ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके चलते हैं पिछले एक साल का, तो पिछले साल जनवरी में लगभग ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट था 85,000 का, और इस वक्त आप देखोगे वो 90,000। इसका मतलब है लोगों का रुझान तो गवार में बना हुआ ओपन इंटरेस्ट से दिख रहा है। प्राइजेस की अगर हम बात करें तो पिछले जनवरी को प्राइजेस करीबन 6,000 के करीब ओपन हुआ, 6,500 जो मैं अभी 6,600 की बात कर रहा था, 6,600 का हाई मारा और मारने के बाद कंटिन्यू गिरावट में था, जो पूरे साल भर के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 5,000 का लेवल मार्केट छूता हुआ दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं 5,000 का लो है और ये 6,530 का हाई है क्लोजिंग बेस पे। अब अगर हम देखें तो आज का क्लोजिंग भाव या अभी का भाव है 5,500, तो पिछले साल के मुकाबले भाव में गिरावट है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एज ऑफ नाउ कम है, बट मान के चल सकते हैं कि धीरे धीरे एग्री कमोडिटी के अंदर 2024 के अंदर इंप्रूवमेंट मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। गम का भी ऐसा ही कुछ हाल है। आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे पिछले साल तो करीबन 51,000 का ओपन इंटरेस्ट था, और नीचे में हमने लगभग ओपन इंटरेस्ट को 47 का ओपन इंटरेस्ट तक भी जाते हुए देखा। बट सिंस देन हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट में कंटिन्यू एक गेन ही और 6,500 के ऊपर मेंटेन है। ये काफी अच्छे संकेत है कि कमोडिटी काफी मजबूत हाथों में है, ज्यादा ओआई में चेंजेस नहीं है। भाव में भी अगर हम देखें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने लगभग 10,000 का एक सपोर्ट ले चुका है। नो डाउट जून 2023 के अंदर प्राइसेस ने एक बार 9,300 तक का भी लेवल जाता हुआ देखा था, बट कुल मिलाकर अब मार्केट रिकवर कर रहा है, और हमने जो जनवरी 2023 में 14,500 का भाव देखा था वो भाव अब वापस आने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अभी भी तेजी में बना हुआ है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि गवार कॉम्प्लेक्स एक हिडन जेम्स का काम करेगी 2024 में। अच्छा, हम सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो वैसे देखा जाए तो ये जो पीरियड होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ये पीरियड के अंदर हमेशा ज्यादा करके तेजी देखते हैं, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल मई में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा करके मार्केट में गिरावट का रुख ही रहता है। लेकिन कुल मिलाकर हमने सितंबर ऑनवर्ड्स ही मार्केट में एक नेगेटिव के साथ ही मार्केट को मूव करते हुए देखा है। तो ये पीरियड में जो अब तक गिरावट थी ये मुझे लगता है ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा फॉल नहीं, बट हाँ एक चीज है कि सीजनलिटी में कोई ऐसी पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहा है टाइमिंग जो बाकी टेक्निकल या फंडामेंटल की बात करें, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। बट हाँ, जनवरी में हमने पिछले 2 सालों में एक अच्छी तेजी देखी और अभी भी जनवरी के 15 दिन बाकी है, तो मुझे लगता है कि जनवरी के अंदर एक रिकवरी बन सकती है। उसके कारण हो सकते हैं एक्सपोर्ट डिमांड या मानसून को लेकर अभी जो अर्ली अपडेट्स आएंगे वो सब इम्पैक्ट करेगा। तो जनवरी में मार्केट अब स्टेबल टू पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल सीजनलिटी खराब है। बट लेट्स सी, अगर यूएस साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, रिसेशन या रेट कट की कुछ अपडेट्स आती है, वो प्राइस को गवार गम में भी ऐसा ही कुछ हाल है। सीजनलिटी गवार गम की वैसे देखा जाए तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव, क्योंकि हमने इधर ये पीरियड में देखा है कि मार्केट थोड़े से ग्रीनली ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं, तो आई थिंक थोड़े बहुत सपोर्ट मिल सकते हैं। लेकिन जनवरी के 15 दिन हमें लगता है गवार गम के लिए ठीक ठाक है। हाँ, 20 जनवरी को हम देखेंगे कि गवार का जब जनवरी वायदा एक्सपायर होगा 19 तारीख को, वहां पे थोड़ा सा एक प्रेशर जरूर देखा जाता है, बट उसके बाद मार्केट में रिकवरी बन जाती है। तो करंट लेवल से शॉर्ट की तो सलाह नहीं है, मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके इंप्रूव करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। एक्सपोर्ट डिमांड अगर हम देखें तो हमने 2023 के अंदर भी देखा है कि कुल मिलाकर एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। अगर हम टोटल एक्सपोर्ट्स की नंबर्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 2-3 साल में, नो डाउट प्री कोविड में हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था लगभग 3 लाख के ऊपर का, बट ये हमने 2019-20 और 2021 में 2 लाख के नीचे भी जाते हुए देखा था, बट 2021-22 में करीबन 270 और 2022-23 में जो प्रिलिमिनरी फिगर्स है वो 293 दिखा रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो सितंबर 2022-23 वाले सीजन में और अभी में आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। वहीं अक्टूबर के अंदर भी जो हम एक्सपोर्ट देखते थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट, तो स्लोली एंड स्टडीली एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए दिखेगी।
अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल पे हमने देखा था कि अक्टूबर में हमने एक हाई रखते हुए देखा था भाव में, जो करीबन 6100 का नियर बाय था, वहां से रिजेक्शन हुआ और भाव में एक बड़ी गिरावट आई और प्राइजेस ने यहाँ पे डबल बॉटम इसलिए बोल सकता हूँ कि दिसंबर मिड में भी प्राइजेस ने करीबन 5300 का लो दिखाया और वहां से फिर मार्केट में रिकवरी बनी। इसके बाद हमने जनवरी के अंदर भी देख रहे हैं कि प्राइजेस 5300 का लो दिखाने के बाद यहाँ से एक रिकवरी बनी है। इनफैक्ट हार्मोनिक पैटर्न में पिन पॉइंट रिवर्सल होता है, तो पॉइंट नंबर डी से ही आप देखिए मार्केट रिकवर कर गया है। कंफर्मेशन के लिए हमने जैसे पिछले वीडियो में कहा भी था कि हमें 5480 का एक रेजिस्टेंट फेस हो सकता है, अगर ये निकल जाता है तो मार्केट 5600, 5590, 5780 ऐसे करते करते 6000 का लेवल रिगेन कर जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए वापस हम एक रेजिस्टेंट फेस करेंगे 5600 पे, फिर धीरे धीरे करके मूव करेगा। बट ये जो टेक्निकल हार्मोनिक पैटर्न बना है ये दर्शाता है कि मार्केट में तेजी है। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर हम एंट्री करके चले तो स्लो एंड स्टेडीली हम 5780 से लेके 6000 तक के भी लेवल अगले डेढ़ महीने में दिखाया। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिखा रहा है, बट हमने सीजनलिटी देखा वो खाली जनवरी की तेजी बता रहा है, तो उस पर आप नजर रखें। ऐसी गवार गम का भी हाल है, गवार गम में भी हमने देखा था कि 11950 लगभग 12000 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट ने बड़ी गिरावट ली थी और इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10200 का एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाकर मार्केट हार्मोनिक पैटर्न, ये जो बना हुआ है ये हार्मोनिक पैटर्न है, तो हार्मोनिक पैटर्न के चलते हमने तेजी देखी और कंफर्मेशन के लिए 10600 के ऊपर क्लोज करने पे अब रिकवरी बन रही है। जो 10900, 11000, 11300, 11500, 11900 इस वे में मार्केट मूव करेगा तो आई थिंक मार्केट में एक इमीडिएट वे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि काउंटर काफी स्ट्रांग है, इसमें लेके काम करना चाहिए, बेच के काम नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल धीरे धीरे चेंज होंगे बट टेक्निकली मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।